कोरोना महामारी से निपटने में स्वास्थ्य वाहनों को अब ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नलहड़ मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर टेस्ट की शुरुआत होने के साथ साथ सीबी नेट मशीन से टेस्ट अब पहले से बेहतर किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की शुरुआती जांच के लिए या स्क्रीनिंग के लिए जिले के सामान्य अस्पताल अलाफिया मांडीखेड़ा में भी ट्रूनेट मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। जिला नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि ट्रूनेट मशीन से एक घंटे में एक सैंपल का नतीजा सामने आता है। अगर सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो गोल्ड स्ट्रैंड टेस्ट कराने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना मरीज का जरूरी हो जाता है। इस मशीन को नलहड़ की आरटीपीसीआर मशीन से मैपिंग किया गया है। डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा है कि यह मशीन एक दिन में 18 से 20 टेस्ट कर सकती है। उन्होंने कहा है कि अब न केवल उनके सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में मशीन से टेस्ट की रिपोर्ट आ सकेगी, बल्कि मेडिकल कॉलेज में भी दो मशीनों से टेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना सैंपल को रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद इत्यादि जिलों को जरूरत पड़ने पर ही भेजा जाएगा। दरअसल महामारी से निपटने के लिए शुरुआत में सैंपल पीजीआई रोहतक या गुरुग्राम के निजी लैब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए थे। इन सैंपलों को भेजने तथा रिपोर्ट आने में न केवल समय लगता था बल्कि धन की भी हानि हो रही थी। कोरोना लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने अब शुरुआती जाँच के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल में ही ट्रूनेट मशीन लगा दी है। नूहू जिले के स्वास्थ्य विभाग को न केवल इस मशीन की शुरुआत होने से काम करने में आसानी होगी, बल्कि आम नागरिकों को भी अब कोरोना की रिपोर्ट आने के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिए मेवात जिले की ताजा खबरें। जिस तरह से कोविड-19 का जो दौर शुरू हुआ था, पहले जो टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज़ थी हमारे देश में या जो हमारे राज्य में बहुत कम थी, तो पहले सैंपल हमारे रोहतक जाते थे, कुछ गुड़गांव की जो दो तीन प्राइवेट लैब थी वहाँ जाते थे। धीरे 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 जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं हमारे, चाहे वो कल्पना चावला, बीपीएस खानपुर, अग्रोवा और अब नलहड़ में भी हमारी आरटीपीसीआर शुरू हो गया है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आरटीपीसीआर है। इसके अलावा एक सीबी नाट नाम की मशीन थी जो हमारी नलहड़ में रखी हुई थी, वो भी स्टार्ट हो गई है। वो इमरजेंसी केसेस के लिए, जिनकी सर्जरी होनी है, जिनकी डिलीवरीज होनी है, जिनके सिजेरियन होने हैं, या जो प्रिजनर्स हैं, अक्यूज हैं या कन्विक्टेड हैं, जिनको जेल में भेजना है, जिनकी रिपोर्ट हमें जल्दी चाहिए, तो सीबी नाट की मशीन हमारी नलहड़ में चालू हो चुकी है। उसमें भी हमारे 40-50 टेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आरटीपीसीआर की नलहड़ में, जैसे कि मैंने बताया, अब एक तरह की मशीन है जो ट्रूनॉट मशीन है। इस मशीन का जो पर्पज है, स्क्रीनिंग का पर्पज है, एक दिन में लगभग 18 या 20 टेस्ट हम लगा सकते हैं। इसमें सिंगल टेस्ट लगता है, तो एक घंटा लेता है। अगर हम 24 घंटे काम करते हैं तो 18 के लगभग या 20 के लगभग हम टेस्ट कर सकते हैं उसमें। और ये स्क्रीनिंग पर्पज से यूज होती है। छोटी मशीन है ये, जो न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन पे काम करती है। इसके अंदर हम जो टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसका आरटीपीसीआर कंफर्मेटरी होना ज़रूरी होता है। तो स्क्रीनिंग के काम के लिए ये छोटी मशीन है, कम टेस्ट लगते हैं। मैंने जैसे बताया 15-18-20 टेस्ट इसमें हो सकते हैं। सिंगल टेस्ट लेती है ये और एक घंटे में एक ही टेस्ट कर पाती है, लगभग एक घंटे में। उसके बाद अगर उसमें जो नेगेटिव आ गए वो तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। जो पॉजिटिव आता है उसका हमें टेस्ट आरटीपीसीआर से कंफर्मेटरी करना ही पड़ता है। तो इस डाउट हमें फ़ायदा होगा स्क्रीनिंग के लिए। हमारे जो इंडोर पेशेंट्स हैं, जो हमारे सर्जरी के पेशेंट हैं, हमें वो सीबी नाट के लिए ना भेजने पड़ेंगे। और इसकी जो मैपिंग है मशीन की, जो हमारे मांडीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल में लगी है, मैपिंग आरटीपीसीआर नलहड़ के साथ की गई है।